हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस हफ्ते काफी सारी बड़ी ओटीटी मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जो कि आपको 5 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी बड़ी मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो इस हफ्ते की सभी बड़ी ओटीटी रिलीज जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 सितंबर से। 5 सितंबर को आपको सिर्फ एक ही मूवी देखने को मिलेगी, जो है बारबी मूवी। जी, आपको OTT पे VOD यानी कि रेंट करके देख सकते हो 5 सितंबर को, और ये मूवी सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 सितंबर को क्या क्या रिलीज होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कर नेटफ्लिक्स के साथ, तो सबसे पहले आपको एक वेब सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है प्रेडिएटर्स। ये वेब सीरीज आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे 6 सितंबर को। नेक्स्ट एक और वेब सीरीज जिसका नाम 69, ये वेब सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पे। नेक्स्ट हमारे पास एक और वेब सीरीज जिसका नाम है रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 6 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है टॉप बॉय, इसका आपको सीजन 3 हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा 7 सितंबर से नेटफ्लिक्स के ऊपर। एक और शो है जिसका नाम है डियर चाइल्ड, ये भी आपको हिंदी लैंग्वेज में 7 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और वेब सीरीज जिसका नाम है वर्जिन रिवर, ये भी एक सीरीज रहने वाली है जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज में 7 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एक एनिमेटेड वेब सीरीज जिसका नाम है गेमिरा रिवर्थ, ये भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 7 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एक और एनिमेटेड वेब सीरीज जिसका नाम है कुंग फू पांडा, इसका आपको सीजन 3 हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा 7 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेक्स्ट एक मूवी है हमारे पास जिसका नाम है व्हाट इफ, ये आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर 7 सितंबर को इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं 8 सितंबर को क्या क्या देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बर्निंग बॉडी, ये एक सीरीज रहने वाली है जो कि आप हिंदी लैंग्वेज में 8 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। एक और वेब सीरीज जिसका नाम है स्पाई ऑप्स, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 8 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एक और वेब सीरीज टाइम कॉल्ड यू, ये भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी 8 सितंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेक्स्ट एक मूवी है जिसका नाम है सोनिक 2, ये आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, एक मूवी रहने वाली है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे 8 सितंबर को देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास एक और मूवी है जिसका नाम है हेलो गोस्ट, ये आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में 8 सितंबर को देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राइम वीडियोस पे आपको इस हफ्ते क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है रजनीकांत स्टार जेलर मूवी, जो कि आपको सभी लैंग्वेज हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा में 7 सितंबर को देखने को मिल जाएगी प्राइम वीडियोस पे। और नेक्स्ट हमारे पास एक और मूवी है जिसका नाम है सीटिंग इन बार्स विद केक, ये आपको 8 सितंबर को प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी हिंदी लैंग्वेज में। चलिए बात कर लेते हैं हॉटस्टार पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस हफ्ते में। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है द लिटिल मरमेड मूवी, ये आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी 6 सितंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और नेक्स्ट है एक वेब सीरीज जिसका नाम है आई एम ग्रूट का सीजन 2, ये आपको 6 सितंबर को देखने को मिल जाएगा लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारे पास एक मूवी है जिसका नाम है हड्डी, जिसमें आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिल जाएंगे, ये मूवी आपको G5 पे 7 सितंबर को हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं द पाउंड पॉम्स, ये आपको सोनी लीप पे 8 सितंबर को लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिलीज होने वाली है इस हफ्ते, कैरी ऑन जट्टा 3, जो कि आपको 7 सितंबर को चौपाल टीवी पे पंजाबी लैंग्वेज की एक मूवी है आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और मूवी है लव ऑन द रोड, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 8 सितंबर को बुक माई शो के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इसको रेंट करके देख सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और बुक माई शो पे आने वाली है मूवी जिसका नाम है लैम्ब, ये आपको 8 सितंबर को रेंट करके आप इस मूवी को देख सकते हो, इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एक और मूवी है जिसका नाम है द ब्लैक डीमन, ये आपको लाइन्स गेट प्ले पे देखने को मिल जाएगी 8 सितंबर को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। और एक कोरियन वेब सीरीज जिसका नाम है द स्कॉलर हु वॉक्स द नाइट, ये आपको हिंदी लैंग्वेज में प्ले फिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको इस हफ्ते सिनेमा घरों में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी रिलीज है इस हफ्ते की जवान मूवी, जिसमें आपको शाहरुख खान देखने को मिल जाएगा, ये मूवी 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। और इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसका रिस्पॉन्स काफी बढ़िया देखा जा रहा है। नेक्स्ट एक साउथ मूवी है जिसका नाम है मिस शेट्टी मिस्टर पॉली शेट्टी, ये मूवी आपको 7 सितंबर को सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। 8 सितंबर को रिलीज होने वाली है द नन 2, ये मूवी भी आपको सिनेमा घरों में हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी। यही थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी OTT रिलीज और कुछ थिएटर्स रिलीजेस फुल लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।